आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपको लेंगे, ये देखिए मेरे सामने, तो हम नेवी के म्यूज़ियम में आ जाए हैं। और ये सामने आप देखिए, यहाँ से हमने एंट्री करी है और एंट्री करते सबसे पहले हमें ये वारशिप देखने को मिलता है। ये देखिए, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, ये आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। असल में ये रियल नहीं है, ये नमूना बना के यहाँ रखा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, इसको रख नहीं सकते यहाँ पर। आगे चलिए, आगे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो चलिए चलते हैं। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ म्यूजियम में। वैसे तो हमारे देश में तीन तरह की सेना होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो आज मैं आप लोगों को जल सेना, उनका म्यूजियम जो होता है, नौ सेना यानी कि नेवी का जो म्यूजियम है, ये है वास्को में। वास्को में मैं आपको लेके आई हूँ, ये वास्को में म्यूजियम है। मैं आज आपको नेवी का म्यूजियम दिखाऊंगी। वैसे तो ये प्लेन मुझे देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, वैसे मुझे प्लेन की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे काम करते हैं उनको तो काफ़ी अच्छी जानकारी होती है। लेकिन ये देखने में काफ़ी अच्छे प्लेन लग रहे हैं, और कभी ये यूज़ होते थे, लेकिन अभी ये म्यूजियम में खड़े हैं। तो हम एक एक करके आपको सभी प्लेन दिखाएंगे, जितने भी ये फाइटर प्लेन्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग सफ़र पे एक इंटरेस्टिंग म्यूजियम देखने, और आपको हम एक एक करके सारे प्लेन दिखाएंगे, जो भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी वो सब हम आपको दिखाएंगे पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए मेरे सामने, आप देख रहे होंगे एक और फाइटर प्लेन, काफ़ी बड़ा ये फाइटर प्लेन है। अभी पेंट का काम चल रहा है, बहुत सारा पेंट लाके रखा गया है, यानी कि अगर कुछ दिनों बाद आए यहाँ पे देखने तो एकदम नए दिखाई देंगे चमकते हुए। ये देखिए बहुत बड़ा प्लेन है, ये फाइटर प्लेन काफ़ी बड़ा है। और आप मेरे सामने एक और फाइटर प्लेन देख रहे हैं, वाओ बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए एकदम अलग तरह का एक एरोप्लेन।
ये देखो बम है। यहाँ पे सन लिखी गई है और उनकी जानकारी दी गई है। यहाँ पे सन के हिसाब से देखिए 1853, 1890, 1903, 1910, 1911, 1914 तरह पूरा यहाँ पे आपको जानकारियाँ हासिल होगी। सन के हिसाब से आपको जानकारी हासिल होगी। ये देखिए नेवी के जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज हैं, इन पे कितने सारे जहाज एक साथ खड़े हो सकते हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए गोवा की आज़ादी से रिलेटिव सूचना यहाँ पे जानकारी लिखी गई है। जो नेवी है ये सेना बहुत मायने रखती है, असल में मायने तो तीनों सेना रखती हैं, बट ये इसका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है। देश को सुरक्षित रखने के लिए नेवी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह आप बहुत सारे पोस्टर देखेंगे, ऐसे म्यूजियम में आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। उससे क्या होता है, जानकारी हासिल होती है, हमें पता चलता है कि हमारे देश में कैसे कैसे फाइटर प्लेन हैं जो नेवी में यूज़ होते हैं, या फिर एयरफोर्स में। एयरफोर्स का भी अगर म्यूजियम है तो जाना चाहिए। ऐसे ये नेवी का म्यूजियम है तो यहाँ पर बहुत सारे फाइटर्स प्लेन के बारे में आपको जो है पता चलेगा, देखने को मिलेगा, जानकारियाँ मिलेगी, और किस युद्ध में कौन सा एरोप्लेन यूज़ हुआ था, कौन सा फाइटर प्लेन यूज़ हुआ था, इसके बारे में भी बताया गया है।
ये जो आप यहाँ पे एक स्पेशल सीट देख रहे हैं, ये फाइटर प्लेन्स के अंदर होती है। जब अगर फाइटर प्लेन्स में कुछ हो जाता है तो ऊपर दिखाया गया है, पूरे अच्छे से समझाया गया है, फोटो के द्वारा समझाया गया है। इधर ये अब पूरी आपको चेयर दिखाई देगी। तो जब किसी फाइटर प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जो जो चलाता है फाइटर प्लेन को, तो वो इस सीट के द्वारा ही नीचे आ जाता है और उसमें इस तरह का जो है आप देखेंगे पैरासूट लगा रहता है, वो जो नीचे उतर जाता है तो फिर पैरासूट खुल जाता है, इससे उनकी जान बच जाती है। ओ, चलो चलो ईशो, यस इधर भी है। शशि कपूर, एपीजे अब्दुल कलाम, ये जो अभी हमने जितना भी आपको एरोप्लेन के बारे में दिखाया है, एरोप्लेन दिखाया है, ये सब ग्राउंड फ्लोर पे है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, ये सीढ़ियां गई हैं ऊपर की तरफ, से आपको व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से खड़े होके आप सभी एरोप्लेन देख सकेंगे। ये देखिए जितने भी फाइटर प्लेन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये विंग्स, ये ये हमने वहां से एंट्री करी थी और ये टिकट घर है। यहाँ पे हमने टिकट लिया था, यहाँ से हमने टिकट लिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है, और ये अंदर आप जाके अंदर का म्यूजियम देख सकते हैं। ये ग्राउंड पे है और फर्स्ट फ्लोर पे है। और ये देखिए सामने इंजन रखे हैं, ये फाइटर प्लेन में यूज़ होने वाले इंजन। और इधर बहुत सारे एरोप्लेन हैं जो कि हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो देख के, बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको फाइटर प्लेन देखने को मिलेंगे। कैंटीन में है, धूप बहुत तेज हो रही है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक अभी ली है, खाना हमने ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पे अब जब आएंगे तो आपको कैंटीन भी मिलेगी, खा पी सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आप स्नैक्स ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बाहर जो हमने देखा फाइटर प्लेन देखे, तरह तरह के यहाँ पे आपको फाइटर प्लेन्स देखने को मिलेंगे। कभी ये यूज होते थे, जो फाइटर प्लेन्स है वो भारत के लिए, हमारे देश के लिए काम करते थे, लेकिन अभी वो म्यूजियम में रखे हैं। तो इनको देखने से ना काफ़ी अच्छा लगता है। ये वास्को में जो ये म्यूजियम है नेवी का, यहाँ हम खुली आंखों से एकदम रियल में उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, तरह तरह के फाइटर प्लेन, उसमें यूज़ होने वाले बहुत सारे इंजन आपको दिखाए गए हैं, छोटे इंजन, बड़े इंजन, किस तरह के इन फाइटर प्लेन में इंजन यूज़ होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं ये इंजन भी। और यहाँ पे मिसाइलें दिखाई गई हैं, उनमें यूज़ होने वाली मिसाइलें, बम्स भी आपको अंदर देखने को मिलेंगे। और नेवी से रिलेटेड जो आज तक का इतिहास है, शुरू से आज तक का इतिहास आपको पूरा अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। पोस्टर के माध्यम से वो आपको दिखाया गया है, बताया गया है, उसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर जिसको भी इस चीज़ की नॉलेज लेनी है तो यहाँ आके देख सकता है।
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोग भी इस चीज़ को देखने के इच्छुक हैं, ये म्यूज़ियम देखने के इच्छुक हैं, तो आप वास्को आ सकते हैं। तो अभी हमने खाना ऑर्डर कर रखा है, तो खाना आने वाला है, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। Thank you.